नमस्कार, स्वागत है आप सभी का धैर्यस के साप्ताहिक करंट अफेयर्स कार्यक्रम इंडिया दिस वीक में। मैं हूं आपके साथ अनुराग पांडे। इंडिया दिस वीक कार्यक्रम का मकसद आपको हफ्ते भर की उन अहम खबरों से रूबरू कराना है जो आपकी परीक्षा के लिहाज से बेहद ही जरूरी है। तो ये पिछले सप्ताह की कुछ महत्वपूर्ण खबरों के साथ शुरू करते हैं इस हफ्ते का इंडिया दिस वीक कार्यक्रम। क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी आरसीईपी का हिस्सा बनने से भारत ने किया इनकार। कई मुद्दों पर सही समाधान नहीं हो पाने के कारण भारत हुआ है समझौते से बाहर। अमेरिका ने शुरू की पेरिस जलवायु संधि से अलग होने की प्रक्रिया। साल 2017 में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किया था इस संधि से अलग होने का ऐलान। पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण एवं संरक्षण प्राधिकरण ईपीसीए ने नई दिल्ली में घोषित की हेल्थ इमरजेंसी। दिल्ली एनसीआर में गंभीर वायु प्रदूषण के चलते उठाया गया है यह कदम। मेघालय मंत्रिमंडल ने दी मेघालय निवासी संरक्षा और सुरक्षा अधिनियम 2016 में संशोधन को मंजूरी। अब मेघालय में भी प्रवेश करने वाले बाहरी लोगों के लिए पंजीकरण होगा जरूरी। सरकार निर्यात को बढ़ावा देने के मकसद से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की तैयारी का एक सूचकांक लाने पर कर रही है विचार। नीति आयोग और वाणिज्य मंत्रालय के सहयोग से तैयार हो रहा यह सूचकांक अगले साल जनवरी तक हो सकता है जारी। राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी ने आरओ सिस्टम के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने संबंधी अधिसूचना के लिए जारी किया अल्टीमेटम। एनजीटी के मुताबिक ऐसी जगहों पर न इस्तेमाल किए जाए आरओ सिस्टम जहां खारे पानी की नहीं है कोई समस्या। राष्ट्रपति ने विवादास्पद आतंकवाद रोधी कानून से संबंधित गुजरात आतंकवाद और संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक को दी मंजूरी। गुजरात आतंकवाद और संगठित अपराध नियंत्रण कानून के तहत अब जांच एजेंसियां कर सकती हैं फोन कॉल्स को रिकॉर्ड। और चीन ने अल्जाइमर रोग के इलाज के लिए तैयार की GV971 नाम की घरेलू दवा। आधिकारिक अनुमोदन के बाद दिसंबर 2019 से चीन के अल्जाइमर रोगियों के लिए उपलब्ध होगी ये दवा। तो आइए खबरों को विस्तार से समझते हैं। बीते दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैंकॉक में आयोजित तीसरे आरसीईपी शिखर सम्मेलन में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने भारत को रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप आरसीईपी के मुक्त व्यापार समझौते में शामिल नहीं होने का ऐलान किया है। गौरतलब है कि भारत ने यह फैसला कुछ मुद्दों के समाधान पर सहमति न हो पाने की वजह से लिया है। मौजूदा वक्त में सेवा क्षेत्र के लिहाज से भारत की स्थिति काफी मजबूत है, लेकिन आरसीईपी समझौते में वस्तुओं की तुलना में सेवाओं के व्यापार में ज्यादा छूट नहीं है। ऐसे में भारत को इससे अधिक लाभ की उम्मीद नहीं है। साथ ही आरसीईपी में शामिल नहीं होने के बाद दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के साथ भी भारत का व्यापार घाटा बढ़ने की आशंका है। इन सबके अलावा आरसीईपी में बौद्धिक संपदा के कड़े नियम शामिल हैं, इसके चलते भी भारत का जेनरिक दवा उद्योग प्रभावित हो सकता है। इसके अलावा आयात शुल्क खत्म करने से भारत के कृषि आधारित उद्योगों, वाहन, दवा और स्टील के प्रभावित होने की भी संभावनाएं जानकारों द्वारा जाहिर की जाती रही हैं। साथ ही चीनी सामान की ज्यादा आपूर्ति से भारतीय मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी प्रभावित हो सकता है, जबकि भारत का चीन के साथ व्यापार असंतुलन पहले से ही काफी अधिक है। भारत में आरसीईपी को लेकर किसान और व्यापारी संगठन भी इसका विरोध कर रहे थे। दरअसल आरसीईपी के तहत भारत को व्यापार करने वाली वस्तुओं पर शुल्क को 92% से घटाकर 80% करना था, जो कि किसानों के लिए बड़ी मुसीबत थी। साथ ही इससे डेयरी व्यवसाय को भी बड़ा नुकसान होता। भारत का असंगठित डेयरी सेक्टर मौजूदा वक्त में 15 करोड़ लोगों को आजीविका प्रदान करता है, लेकिन आरसीईपी समझौता लागू होने के बाद देश के डेयरी उद्योग को ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता। आपको बता दें कि साल 2012 में शुरू आरसीईपी चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और भारत का 10 सदस्यीय आसियान गुट के साथ एक व्यापार समझौता है। हालांकि भारत ने अब खुद को इस समझौते से बाहर कर लिया है। इसके अलावा आरसीईपी का उद्देश्य व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए इसके सदस्य देशों के बीच व्यापार नियमों को सरल बनाना है। साथ ही इस मेगा मुक्त व्यापार समझौते में वस्तु, सेवाओं, निवेश, आर्थिक और तकनीकी सहयोग के अलावा प्रतिस्पर्धा और बौद्धिक संपदा अधिकारों से जुड़े मुद्दे को शामिल किए जाने का प्रावधान है। बीते 4 नवंबर को अमेरिका ने पेरिस जलवायु संधि से अलग होने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस संदर्भ में अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र को सूचित करते हुए यह कार्रवाई शुरू की है।
अमेरिका अपनी इस कार्रवाई के बाद पेरिस जलवायु समझौते से अलग होने वाला पहला और एकमात्र देश होगा। गौरतलब है कि अमेरिका पेरिस जलवायु समझौते के अनुच्छेद 28 के तहत अलग हो रहा है। दरअसल पेरिस जलवायु समझौते का अनुच्छेद 28 इसमें शामिल किसी भी देश को इससे अलग होने की इजाजत देता है। अनुच्छेद 28 के तहत पेरिस समझौते के गठन के 3 साल बाद कोई भी देश इससे अलग होने की सूचना दे सकता है। इसके अलावा सूचित करने के 1 साल बाद ही उस देश को इस समझौते से अलग मान लिया जाता है। इस हिसाब से अमेरिका इस समझौते से 2020 तक औपचारिक रूप से बाहर हो जाएगा। अमेरिका के समझौते से बाहर होने के बाद पेरिस जलवायु संधि के लक्ष्य को हासिल करना काफी चुनौतीपूर्ण होगा। दरअसल इस समय सबसे ज्यादा कार्बन उत्सर्जन करने वाले देशों की सूची में चीन 27% के बाद अमेरिका का ही नंबर आता है। अमेरिका करीब 15 से 16% कार्बन का उत्सर्जन करता है। पेरिस समझौते के मुताबिक अमेरिका को अपने कार्बन उत्सर्जन को 2005 के मुकाबले 2025 तक 26 से 28% तक कम करना था। इसके अलावा अमेरिका के समझौते से अलग होने का असर वित्तीय संसाधनों पर भी दिखेगा। इस समझौते के तहत हरित जलवायु कोष में अमेरिका की सबसे अधिक भागीदारी थी, लेकिन अब अमेरिका के इससे अलग होने के बाद अन्य देशों पर इसका अतिरिक्त भार बढ़ेगा। आपको बता दें कि 4 नवंबर 2016 को पेरिस में एक ऐतिहासिक अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरणीय समझौता हुआ था। इस समझौते के तहत दुनिया भर के कुल 200 देश ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी लाने और जलवायु परिवर्तन पर काबू पाने के लिए राजी हुए थे। इस समझौते के तहत वैश्विक तापमान वृद्धि को पहले के औद्योगिक स्तर से 2 डिग्री सेल्सियस से कम करने का लक्ष्य रखा गया था। साथ ही आगे चलकर इस तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक निर्धारित करने का भी लक्ष्य तय हुआ था। गौरतलब है कि पेरिस जलवायु समझौते में इस बात का भी जिक्र था कि विकसित और अमीर देश जलवायु परिवर्तन के लक्ष्यों को हासिल करने में विकासशील देशों को आर्थिक और तकनीकी मदद मुहैया कराएंगे। दिल्ली की आबो हवा बीते दिनों एक बार फिर से काफी खराब हो गई। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण का स्तर अत्यंत गंभीर श्रेणी में पहुंच गया था, जिसके कारण पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण एवं संरक्षण प्राधिकरण को हेल्थ इमरजेंसी का ऐलान करना पड़ा। दरअसल बीते 1 नवंबर को दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स का स्कोर 504 के स्तर पर पहुंच गया था। इसके अलावा दिल्ली से सटे इलाकों में भी प्रदूषण का स्तर 500 AQI के ही करीब था। केंद्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी द्वारा संचालित वायु गुणवत्ता निगरानी संस्था सफर के आंकड़ों के मुताबिक भी दिल्ली में वायु गुणवत्ता में गिरावट के सर्वाधिक निम्न स्तर है। स्वास्थ्य आपातकाल लागू होने के बाद दिल्ली, फरीदाबाद, गुरुग्राम, गाजियाबाद, नोएडा और ग्रेटर नोएडा में निर्माण कामों पर रोक लगा दी गई है। इसके अलावा कोयला आधारित और गैर PNG औद्योगिक इकाइयां भी बंद रहेंगी और पूरी सर्दी भर दिल्ली में पटाखे जलाने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। साथ ही वायु प्रदूषण को लेकर दिल्ली सरकार ने ऑड इवन व्यवस्था भी लागू कर दी है। इससे पहले पर्यावरण प्रदूषण प्राधिकरण EPCA ने भी दिल्ली में ग्रेडेड एक्शन रिस्पॉन्स प्लान लागू किया था। हाल ही में पर्यावरण प्रदूषण प्राधिकरण EPCA ने ग्रेडेड एक्शन रिस्पॉन्स के तहत वायु प्रदूषण की आपातकालीन श्रेणी के दौरान ट्रकों के आवाजाही पर रोक लगाने की बजाय पर्यावरण क्षतिपूर्ति शुल्क लागू कर दिया है। गौरतलब है कि क्षतिपूर्ति शुल्क लागू होने से पहले रोजाना करीब 8,000 ट्रक प्रतिदिन दिल्ली में प्रवेश करते थे। हालांकि अब इसके लागू होने के बाद ट्रकों की संख्या 3,500 के ही करीब रह गई है। आपको बता दें कि हवा की गुणवत्ता को एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI के जरिए मापा जाता है। एयर क्वालिटी इंडेक्स मुख्य रूप से 8 प्रदूषकों PM10, PM2.5, NO2, SO2, CO, O3, NS3 और PB की हवा में मौजूदगी की जांच करता है। PM10 और PM2.5 के बारे में आपको बताएं तो इन्हें पर्टिकुलेट मैटर यानी अभिकणी पदार्थ के नाम से जाना जाता है। यह हमारे वायुमंडल में उपस्थित बहुत छोटे कण होते हैं जिनकी मौजूदगी ठोस या तरल अवस्था में हो सकती है। इसके अलावा AQI इंडेक्स में हवा की गुणवत्ता के आधार पर 6 श्रेणियां बनाई गई हैं। इसमें 0 से 50 के बीच हवा की गुणवत्ता को अच्छा, 51 से 100 के बीच संतोषजनक, 101 से 200 के बीच थोड़ा प्रदूषित और 201 से 300 के बीच के AQI को खराब माना जाता है। साथ ही इसकी 3 अन्य श्रेणियों में 301 से 401 के बीच के AQI को बेहद खराब और 401 से 501 के बीच के AQI को गंभीर और यदि AQI 500 से भी ज्यादा है तो इसे बेहद गंभीर आपातकालीन श्रेणी में रखा जाता है। खराब चिकित्सीय उपकरणों और प्रतिरोपण के गलत प्रभावों से जूझ रहे मरीज अब इनके उपकरणों के विनिर्माताओं या उनका आयात करने वाली कंपनियों से मुआवजा मांगने में सक्षम होंगे। बीते दिनों नीति आयोग ने इसके लिए एक चिकित्सीय उपकरण विधेयक 2019 शीर्षक वाले मसौदे को
अलग अलग मंत्रालयों के बीच विचार विमर्श के लिए रखा है। इस मसौदे का मकसद स्थानीय रूप से निर्मित एवं आयातित चिकित्सीय उपकरणों का विनियमन करना है। इसके अलावा विधेयक में मरीजों पर प्रतिकूल असर डालने वाले त्रुटिपूर्ण चिकित्सीय उपकरणों के विनिर्माताओं और आयातकों पर 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाए जाने का प्रावधान इस प्रस्ताव में रखा गया है। गौरतलब है कि अभी तक इस प्रकार का कोई कानूनी प्रावधान नहीं है जिसके तहत त्रुटिपूर्ण प्रतिरोपण या चिकित्सीय उपकरणों के कारण स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे मरीज मुआवजा मांग सके। इस मसौदा विधेयक के जरिए नीति आयोग ने सुझाव दिया है कि बिना लाइसेंस के बाजार में चिकित्सीय उपकरण पेश करने और प्रस्तावित विधेयक के तहत शर्तों का पालन नहीं करने पर 3 साल की कैद या 50 लाख रुपये जुर्माना या दोनों का प्रावधान किया जाएगा। इसके अलावा इस मसौदा विधेयक में चिकित्सीय उपकरण क्षेत्र की निगरानी के लिए स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक के तहत अलग नियामक का भी प्रस्ताव रखा गया है। साथ ही मसौदा विधेयक में चिकित्सीय उपकरणों को बाजार में लाने से पहले इनका राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण रजिस्टर में पंजीकरण कराने और उत्पाद के लेवल पर अद्वितीय पहचान संख्या प्रदर्शित किए जाने का भी प्रस्ताव रखा गया है। बीते दिनों मेघालय मंत्रिमंडल ने मेघालय निवासी संरक्षा और सुरक्षा अधिनियम 2016 में संशोधन को मंजूरी दे दी। इस अधिनियम में संशोधन के बाद मेघालय में दाखिल होने वाले बाहरी लोगों को भी अब पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में लागू इनर लाइन प्रणाली के तहत पंजीकरण कराना होगा। आपको बता दें कि इस अधिनियम में संशोधन को मंजूरी एनआरसी प्रक्रिया को देखते हुए मिली है। दरअसल यहां के लोगों को डर है कि असम में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर एनआरसी से बाहर हुए लोग मेघालय में प्रवेश की कोशिश कर सकते हैं। मेघालय सरकार के मुताबिक इस अधिनियम में हुए संशोधनों को जल्द ही एक अध्यादेश के जरिए प्रभाव में लाया जाएगा और इसे अगले विधानसभा सत्र में अधिनियमित किया जाएगा। गौरतलब है कि अधिनियम किरायेदारों के रजिस्ट्रेशन और डॉक्यूमेंटेशन पर केंद्रित था। हालांकि अब इसमें संशोधन के बाद बाहरी लोगों और किरायेदारों को कवर करने के लिए नियमों में विस्तार किया जाएगा। इनर लाइन परमिट के बारे में आपको बताएं तो एक आधिकारिक यात्रा दस्तावेज है। यह दस्तावेज किसी संरक्षित क्षेत्र के मूल निवासियों की पहचान को बनाए रखने और वहां की जरूरतों के मुताबिक लागू होता है। इसके अलावा इनर लाइन परमिट भारत सरकार द्वारा किसी भारतीय नागरिक को संरक्षित क्षेत्र में एक तय समय के लिए आंतरिक यात्रा की मंजूरी देने के लिए जारी किया जाता है। साथ ही इनर लाइन परमिट के तहत किसी बाहरी व्यक्ति को किसी संरक्षित क्षेत्र में संपत्ति खरीदने का भी अधिकार नहीं होता है। मौजूदा वक्त में इनर लाइन परमिट अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम जैसे भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में लागू है। सरकार निर्यात को बढ़ावा देने के मकसद से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की तैयारी का एक सूचकांक लाने पर विचार कर रही है। कहा जा रहा है कि सूचकांक अगले साल तक जनवरी महीने में जारी किया जा सकता है। इस सूचकांक के जरिए ये पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने अपने स्तर पर कितनी तैयारी की है। साथ ही ये कदम निर्यात को बढ़ावा देने में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच स्वास्थ्य स्पर्धा शुरू करने में भी मदद करेगा। वित्त वर्ष 2011-12 से ही निर्यात का आंकड़ा 300 अरब डॉलर के ही करीब रहा है। इसके अलावा पिछले वित्त वर्ष 2018-19 में भी कुल निर्यात 331 अरब डॉलर के ही आसपास रह गया था। इसके अलावा दुनिया भर में भी निर्यात के मामले में भारत की हिस्सेदारी इस वक्त महज 1.7% की है। आपको बता दें कि निर्यात को बढ़ावा देने के मकसद से शुरू होने जा रहे सूचकांक के लिए नीति आयोग और वाणिज्य मंत्रालय मिलकर काम कर रहे हैं। इस सूचकांक में कारोबारी माहौल, इंफ्रास्ट्रक्चर, परिवहन संपर्क, वित्त उपलब्धता, निर्यात इंफ्रास्ट्रक्चर और व्यापार समर्थन जैसे महत्वपूर्ण मानक शामिल किए जाएंगे। इसके अलावा सूचकांक में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अलावा समुद्र तटीय और पहाड़ी राज्यों के लिए भी अलग से रैंकिंग जारी की जाएगी। जानकारों के मुताबिक इस तरह के सूचकांक के कई फायदे होंगे। एक ओर जहां राज्य निर्यात और निवेशकों को आकर्षित करने के अनुकूल नीतियां बनाने को प्रेरित होंगे तो वहीं इस तरह के सूचकांक से राज्यों को आत्मनिरीक्षण करने का भी मौका मिलेगा। इसके अलावा सूचकांक के जरिए निर्यातकों को भी सही दिशा मिल सकेगी। गौरतलब है कि सरकार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मामले में एक ऐसा ही एक सूचकांक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए पहले से ही जारी कर रही है। बीते दिनों राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT ने एक अल्टीमेटम जारी किया है। ये अल्टीमेटम पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को RO सिस्टम के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने से संबंधित अधिसूचना के संदर्भ में जारी किया गया है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण का पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्देश है कि वह ऐसे इलाकों में RO सिस्टम का उपयोग बंद कर दे जहां का पानी खारा नहीं है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण के मुताबिक जिन जगहों पर पानी में टोटल डिसॉल्व्ड सॉलिड्स TDS की मात्रा 500 मिलीग्राम प्रति लीटर से कम है उन जगहों पर
आरओ सिस्टम के इस्तेमाल को प्रतिबंधित कर दिया जाए। राष्ट्रीय हरित अधिकरण के दिशा निर्देशों में इस बात का भी जिक्र है कि सरकार की प्रस्तावित नीति में इसका प्रावधान होना चाहिए कि आरओ सिस्टम में वेस्ट होने वाले पानी के 60% से अधिक का दोबारा से इस्तेमाल किया जा सके। आपको बता दें कि रिवर्स ऑस्मोसिस आरओ जल को शुद्ध करने की प्रक्रिया है। आरओ पानी में मौजूद हानिकारक पदार्थों को दबाव के जरिए अर्धचालक झिल्ली के माध्यम से बाहर निकालती है। इसके अलावा जल के मानकों की बात करें तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक 300 मिलीग्राम प्रति लीटर से नीचे के टीडीएस स्तर वाले जल को उत्कृष्ट, 900 मिलीग्राम प्रति लीटर टीडीएस वाले जल को खराब और 1200 मिलीग्राम से ऊपर के टीडीएस स्तर वाले जल को नहीं पीने योग्य माना गया है। बीते दिनों क्लाइमेट सेंट्रल संगठन ने जलवायु परिवर्तन के कारण बढ़ते समुद्री जलस्तर के खतरों से संबंधित एक शोध जारी किया है। इस शोध के मुताबिक 2050 तक भारत के तटीय इलाकों में रहने वाले करीब 36 मिलियन लोगों के इससे प्रभावित होने की आशंका है। इसके अलावा इससे बुनियादी ढांचे और आजीविका के नुकसान समेत स्थायी विस्थापन जैसी समस्याएं सामने आ सकती हैं। इस शोध में इस बात का जिक्र है कि भारत में पश्चिमी तटरेखा पर मौजूद भुज, जामनगर, सूरत, पोरबंदर, भरूच और मुंबई जैसे क्षेत्र बढ़ते हुए समुद्र जलस्तर के प्रति अधिक संवेदनशील हैं। इसके अलावा पूर्वी तटीय क्षेत्र में मौजूद पश्चिम बंगाल और ओडिशा की पूरी तटीय सीमा और कोलकाता भी विशेष रूप से संवेदनशील स्थिति में है। आपको बता दें कि क्लाइमेट सेंट्रल के वैज्ञानिकों ने यह शोध कोस्टल डैम नाम के उपकरण से किया है। इनमें ज्यादातर भूमि उत्थान के आंकड़े नासा के शटल रडार टोपोग्राफी मिशन द्वारा उपग्रह के जरिए उपलब्ध कराए गए हैं। शटल रडार टोपोग्राफी मिशन के बारे में आपको बताएं तो इसके जरिए पृथ्वी की लगभग 80% भूमि के स्थलाकृत आंकड़े एकत्रित किए गए हैं। इसके अलावा इसे अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा द्वारा 11 फरवरी 2000 को अंतरिक्ष में लॉन्च किया गया था। बीते दिन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने विवादास्पद आतंकवाद रोधी कानून से संबंधित गुजरात आतंकवाद और संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक को मंजूरी दे दी। इस कानून में प्रावधान है कि अब जांच एजेंसियां फोन कॉल्स को रिकॉर्ड कर सकती हैं, साथ ही उन्हें सबूत के तौर पर न्यायालय में पेश भी कर सकती हैं। इसके अलावा इस कानून में कई ऐसे कामों का जिक्र है जिन्हें करने पर उसे आतंकवाद की श्रेणी में रखा जाएगा। इन कामों में कानून व्यवस्था या सार्वजनिक व्यवस्था में व्यवधान डालना, राज्य की एकता, अखंडता और सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करना और किसी भी वर्ग के खिलाफ आतंक फैलाने जैसे इरादे को भी आतंकवाद की श्रेणी में रखा जाएगा। इस कानून में आर्थिक अपराधों को भी शामिल किया गया है। इनमें पोंजी स्कीम, मल्टी लेवल मार्केटिंग और संगठित सट्टेबाजी जैसे काम शुमार हैं। इसके अलावा जबरन वसूली, जमीन हथियाना, अनुबंध हत्याएं, साइबर अपराध और मानव तस्करी जैसे कामों को लेकर भी इस कानून में सजा का जिक्र किया गया है। गौरतलब है कि गुजरात आतंकवाद और संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक साल 2003 में गुजरात विधानसभा में पेश किया गया था। इससे पहले यह विधेयक साल 2004, 2008 और 2015 में राष्ट्रपति द्वारा खारिज किया जा चुका है। दरअसल इस विधेयक में जांच एजेंसियों द्वारा फोन कॉल रिकॉर्ड करने और उसे सबूत के रूप में न्यायालय में पेश करने के नियम को अनुच्छेद 21 के तहत निजता के मौलिक अधिकार का हनन माना जा रहा है। इसके अलावा पुलिस द्वारा किसी अभियुक्त से लिए गए बयान को भी सबूत के रूप में पेश करना संविधान के अनुच्छेद 20 के तहत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। साथ ही अनुच्छेद 20(3) के ही तहत किसी भी अपराध में शामिल व्यक्ति को खुद के खिलाफ गवाह देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। और पिछले हफ्ते चीन ने अल्जाइमर रोग के निदान के लिए एक घरेलू दवा तैयार की है। GV970 नाम की इस घरेलू दवा को आधिकारिक अनुमोदन के बाद चीन में मौजूद अल्जाइमर रोगियों के इलाज में इस्तेमाल किया जाएगा। चीन अल्जाइमर रोग के इलाज के लिए पिछले 22 सालों से इस दवा पर शोध कर रहा था। द चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंस और शंघाई इंस्टीट्यूट ऑफ मेल्टिया मेडिका ने ग्रीन वैली फार्मास्यूटिकल और ओशियन यूनिवर्सिटी ऑफ चाइना के साथ मिलकर इस दवा को तैयार किया है। आपको बता दें कि GV971 भूरे शैवाल से बनी दुनिया की पहली बहुलक्षी और कार्बोहाइड्रेट आधारित ओरल दवा है। GV971 दवा शुरुआती और मध्यम स्तरीय अल्जाइमर रोग के इलाज और याददाश्त क्षमता में सुधार के लिए उपयोगी है। वैज्ञानिकों के मुताबिक यह दवा मस्तिष्क में सूजन कम करने और आंत में मौजूद सूक्ष्म जीवों की संख्या को संतुलित करके मस्तिष्क में होने वाली संज्ञात्मक क्षति को कम करती है। गौरतलब है कि अल्जाइमर रोग डिमेंशिया नामक सिंड्रोम का सामान्य रूप है। अल्जाइमर रोग के चलते ब्रेन डिसऑर्डर होता है और इसी कारण किसी भी व्यक्ति के दिमाग की तंत्रिका कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं। इसके अलावा अल्जाइमर रोग से पीड़ित व्यक्ति के सोचने, आसान कामों को करने और याददाश्त के साथ ही
निर्णय क्षमता भी घट जाती है। एक आंकड़े के मुताबिक दुनिया में लगभग 44 मिलियन लोग डिमेंशिया से प्रभावित हैं। इसके अलावा अगर भारत में भी अल्जाइमर रोग के मरीजों की स्थिति को देखें तो यहाँ भी करीब 4 मिलियन लोग किसी न किसी तरह से डिमेंशिया के शिकार हैं। इतनी बड़ी तादाद में अल्जाइमर रोग से पीड़ित लोगों के कारण ही हर साल दुनिया भर में अल्जाइमर रोग के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए 21 सितंबर को अल्जाइमर दिवस मनाया जाता है। तो ये थी पिछले सप्ताह की कुछ महत्वपूर्ण खबरें। आइए आपको लिए चलते हैं इस कार्यक्रम के बेहद ही खास सेगमेंट इंडिया राउंडअप में, जहां आपको मिलेंगी हफ्ते भर की कुछ और भी महत्वपूर्ण खबरें, वो भी फटाफट अंदाज में। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख का जारी किया नया राजनीतिक मानचित्र। 31 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के प्रभावी होने के बाद जारी हुआ है ये मानचित्र। 50वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के दौरान विशेष स्वर्ण जयंती पुरस्कार से सम्मानित किए जाएंगे साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत। बीते दिनों सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने की है आइकॉन ऑफ गोल्डन जुबली से सम्मानित किए जाने का ऐलान। रग्बी वर्ल्ड कप फाइनल में दक्षिण अफ्रीका की टीम ने दी इंग्लैंड की टीम को करारी शिकस्त। अब तक 3 बार रग्बी वर्ल्ड कप फाइनल जीत चुकी है दक्षिण अफ्रीका की टीम। अमेरिकी विदेश विभाग ने जारी की कंट्री रिपोर्ट ऑन टेररिज्म 2018। इस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान अपनी जमीन पर आतंकवादियों को फंडिंग, भर्ती और उनकी ट्रेनिंग रोकने में रहा है नाकाम। इस रिपोर्ट में पाकिस्तान को अफगान तालिबान और हक्कानी नेटवर्क के लिए सुरक्षित पनाहगार बताया गया है। इसके अलावा इस रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र है कि यहाँ के राजनेताओं ने तालिबान को खुलेआम समर्थन दिया है। साथ ही आतंकवादी संगठनों ने बलूचिस्तान और सिंध प्रांत में सरकारी, गैर सरकारी संगठनों और डिप्लोमेटिक मिशनों को लगातार निशाना बनाया है। चीन के उत्तरी हिस्से में मौजूद ताइवान उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र ने लॉन्च किया उन्नत श्रेणी का निगरानी सैटेलाइट गाओफेन 7। धरती के किसी भी हिस्से की निगरानी करने में सक्षम है सैटेलाइट गाओफेन 7। ऑप्टिकल फाइबर से लैस यह उपग्रह दूर अंतरिक्ष में पृथ्वी पर मौजूद चीजों की सटीक तस्वीर लेने में सक्षम है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC ने जारी किया 7वें पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2020 का शेड्यूल। 18 अक्टूबर से 15 नवंबर 2020 तक होने वाला यह खेल पहली बार ऑस्ट्रेलिया में खेला जा रहा है। 2020 से बदल जाएगी राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद NCERT की मूल्यांकन प्रणाली। NCERT के मुताबिक स्कूली शिक्षा में मौजूद मूल्यांकन प्रणाली के हैं हानिकारक प्रभाव। चीन में तेजी से बढ़ रहा है अफ्रीकी स्वाइन फीवर। घरेलू और जंगली सुअरों को प्रभावित करता है ये संक्रामक रोग। आपको बता दें कि इस रोग का कोई एंटीडोट या वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा चीन दुनिया में सुअर के मांस का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता देश भी है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के मुताबिक कुलिकोइड्स मक्खी के काटने से हो रही है जानवरों की मौत। चींटियों से भी कई गुना छोटी होती हैं कुलिकोइड्स मक्खी। आपको बता दें कि ये मक्खी ब्लूटंग वायरस की वाहक हैं, जो दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया से क्रॉस ब्रीड कर लाई गई भेड़ों में पाई गई हैं। इसके अलावा इसके काटने के बाद जानवरों की जीभ नीली पड़ जाती है और वे कमजोर पड़ जाते हैं। इसके कारण उत्तर प्रदेश में ही हर साल लगभग 400 जानवरों की मौत हो रही है। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने यूनिसेफ द्वारा चलाई गई युवा पहल को किया लॉन्च। 10 से 14 वर्ष के किशोरों के लिए शिक्षा और कौशल विकास को बढ़ावा देना है इस योजना का मकसद। आपको बता दें कि युवा पहल के लक्ष्यों में साल 2030 तक निजी क्षेत्रों के साथ काम करके 50 मिलियन महिलाओं और 50 मिलियन युवाओं को इच्छुक आर्थिक अवसर प्रदान करना है। गौरतलब है कि दुनिया के किशोरों की कुल संख्या का 21% हिस्सा भारत में रहता है। ये पहल भारत में लिंगानुपात की चुनौती को भी कम करने में मददगार साबित होगी। हैदराबाद और मुंबई को यूनेस्को के क्रिएटिव सिटी में किया गया शामिल। यूनेस्को के क्रिएटिव सिटीज में उन शहरों को शामिल किया जाता है जिन्होंने अपनी क्रिएटिविटी के दम पर किया है विकास। आपको बता दें कि मुंबई का चयन सिनेमा की दुनिया में योगदान के लिए और हैदराबाद का पाक कला के लिए किया गया है। इसके अलावा अब ये दोनों शहर 246 सदस्यों वाले क्रिएटिव सिटी संगठन के नेटवर्क का हिस्सा होंगे। यूनेस्को के क्रिएटिव सिटीज में संगीत, कला, लोकशिल्प, डिजाइन, सिनेमा, साहित्य, डिजिटल कला और पाक कला आदि क्षेत्रों में विकास करने वाले शहरों को शामिल किया जाता है। के बिरला फाउंडेशन की ओर से साल 2018 के 28वें व्यास सम्मान से सम्मानित किए गए सुप्रसिद्ध साहित्यकार लीलाधर जगूड़ी। हिंदी की उत्कृष्ट साहित्य कृत के लिए मिले सम्मान के तहत उन्हें प्रशस्ति पत्र समेत 4,00,000 रुपए की धनराशि और के बिरला फाउंडेशन का प्रतीक चिन्ह भेंट किया जाएगा। 2 नवंबर को पत्रकारों के खिलाफ अपराधों की समाप्त के लिए मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय दिवस।
पत्रकारों और मीडिया कर्मियों के खिलाफ हिंसक अपराधों की वैश्विक सजा दर को कम करने के मकसद से आयोजित होता है यह अंतर्राष्ट्रीय दिवस। गौरतलब है कि साल के अंतर्राष्ट्रीय दिवस का फोकस स्थानीय पत्रकारों पर रहा है। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी सेल स्थापित करने के लिए IIT दिल्ली ने की इसरो के साथ साझेदारी। स्पेस टेक्नोलॉजी सेल STC स्थापित करने के लिए सहमत हुए हैं IIT दिल्ली और इसरो। 2 से 4 नवंबर तक थाईलैंड की आधिकारिक यात्रा पर रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस यात्रा के दौरान सोल में भारत आसियान शिखर सम्मेलन और पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के अलावा म्यांमार, थाईलैंड एवं इंडोनेशिया के राष्ट्र प्रमुखों से भी की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने द्विपक्षीय मुलाकात। शंघाई सहयोग संगठन के राष्ट्राध्यक्षों की परिषद की 8वीं बैठक उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में हुई संपन्न। भारत की ओर से केंद्रीय रक्षा मंत्री ने की इस बैठक में शिरकत। उपराष्ट्रपति M.वेंकैया नायडू ने तटीय बाढ़ चेतावनी प्रणाली के लिए किया रेड एटलस एक्शन प्लान मैप का अनावरण। रेड एटलस एक्शन प्लान मैप का उद्देश्य बाढ़ शमन प्रबंधन तैयारियों और संचालन संबंधी कामों को बनाना है आसान। 5 नवंबर को मनाया गया विश्व सुनामी जागरूकता दिवस। दुनिया भर में 5 नवंबर को सुनामी जागरूकता दिवस सुनामी जागरूकता बढ़ाने और उसके जोखिमों को कम करने के मकसद से मनाया जाता है। साल 2019 का विश्व सुनामी जागरूकता दिवस सेंदाई के 7 अभियान लक्ष्यों को बढ़ावा देने के मकसद पर केंद्रित था। वित्त मंत्रालय ने शुरू की आयुष देश और अतिथि नामक 2 नई सूचना तकनीकी पहल। भारतीय बंदरगाहों और हवाई अड्डों पर आयातित वस्तुओं के कस्टम क्लियरेंस को गति प्रदान करने और उसकी निगरानी करने के लिए शुरू हुआ है आयुष देश नामक ऑनलाइन डैशबोर्ड। इसके अलावा अतिथि नामक मोबाइल ऐप को अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की सुविधा के लिए लॉन्च किया गया है। आपको बता दें कि केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड ने राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र NIC के साथ मिलकर इस डैशबोर्ड को विकसित किया है। 7 से 8 नवंबर के बीच आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में हुआ पहले बिम्स्टेक बंदरगाह सम्मेलन का आयोजन। दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों ने की है इस सम्मेलन में शिरकत। आपको बता दें कि बिम्स्टेक एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसमें दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के देश जिनमें भारत बांग्लादेश म्यांमार श्रीलंका थाईलैंड भूटान और नेपाल शामिल हैं। सम्मेलन में इन देशों के क्षेत्रीय बंदरगाहों के प्रतिनिधि शामिल रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय वॉचडॉग द फ्रीडम हाउस ने जारी किया 2019 के लिए अपनी फ्रीडम ऑन द नेट रिपोर्ट। द क्राइसिस ऑफ सोशल मीडिया के नाम से जारी हुई है ये रिपोर्ट। रिपोर्ट के मुताबिक जून 2018 से लेकर मई 2019 के बीच वैश्विक इंटरनेट आजादी में भारी गिरावट दर्ज की गई है। इसके अलावा इस रिपोर्ट में पाकिस्तान को सबसे खराब देशों की श्रेणी में रखा गया है जहां इंटरनेट की आजादी नहीं है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने प्लास्टिक से होने वाले नुकसान के बारे में जागरूकता फैलाने के मकसद से शुरू किया व्हाट्स इन योर बाथरूम अभियान। दरअसल रोजमर्रा इस्तेमाल होने वाली चीजों में अक्सर प्लास्टिक का बहुत बड़ा हिस्सा होता है और ये चीजें लोगों के स्वास्थ्य के लिए खासा नुकसान कर सकती हैं। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के मुताबिक हर साल लगभग 80 लाख टन प्लास्टिक कूड़ा कचरा समुद्रों में फेंका जाता है। बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवात बुलबुल से है आंध्र प्रदेश और ओडिशा में सबसे ज्यादा खतरा। बुलबुल चक्रवात इस साल का है 7वां चक्रवाती तूफान जो भारत के तट से टकराएगा। ग्रामीण पत्रकारिता में उत्कृष्ट आयाम प्रस्तुत करने के लिए दैनिक जागरण को मिला राष्ट्रीय उत्कृष्ट पत्रकारिता पुरस्कार 2019। भारतीय प्रेस परिषद द्वारा दिया जाता है राष्ट्रीय उत्कृष्ट पत्रकारिता पुरस्कार। और पराली प्रबंधन पर सुप्रीम कोर्ट ने दिया पंजाब हरियाणा और उत्तर प्रदेश के किसानों को 100 रुपए प्रति क्विंटल प्रोत्साहन राशि देने का आदेश। कहा राज्य सरकारें फंड की कमी का बहाना बनाकर नहीं बच सकती हैं। गौरतलब है कि पराली की वजह से दिल्ली NCR में प्रदूषण का स्तर काफी बढ़ गया है। इंडिया दिस वीक कार्यक्रम को आप हर हफ्ते हमारे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। ये कार्यक्रम सप्ताह के आखिर में हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया जाता है। साथ ही इन अहम खबरों से जुड़ी एक PDF भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उपलब्ध करा दी जाती है। तो सप्ताह के इंडिया दिस वीक कार्यक्रम में इतना ही। परीक्षा के लिहाज से जरूरी और तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल DIS को। नमस्कार।